नमस्ते दोस्तों, अस्ट्रोराघो चैनल देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आज हम बता रहे हैं कि अपने हस्ताक्षर से जानिए क्या आप भी अद्भुत प्रतिभा के धनी हैं। क्योंकि ऐसा होता है कि ज्योतिष बहुत बड़ी विद्या है, इसमें तरह तरह के हम देख करके बता सकते हैं। किसी को अपनी जन्म तारीख वगैरह नहीं पता है तो जो अगर किसी समय हमारे से कोई सवाल करता है, उस सवाल का जवाब जो हम देंगे उसी समय से ही हम सारा कुछ जोड़ लेंगे। पता लग जाएगा हमारे को कि कौन सी राशि बनेगी, क्या समस्या है, किस प्रकार से है। ऐसे ही आज एक हम बहुत ही दिव्य जानकारी आपको बता रहे हैं। शायद आप लोगों को यह ना पता हो, क्योंकि हस्ताक्षर से भी हस्तरेखा तो आपने देखा होगा कि हस्तरेखा देख करके बताते हैं, मस्तक रेखा देख करके बताते हैं। आज हम बता रहे हैं कि हस्ताक्षर आपके सिग्नेचर को देख करके हम आपको बता देंगे कि आप किस चीज़ में धनी हैं, किस चीज़ में माहिर हैं। और इसी प्रकार से जो है हस्ताक्षर भी मस्तिष्क के आदेश से ही अंगुलियों के द्वारा संपादित होता है। जब हम कहीं साइन करते हैं तब हमारा जो सिग्नेचर होता है ये जो है हमारे दिमाग के द्वारा एक आदेशित वर्ड होता है। नाम तो सबका सरल होता है, उसको हर कोई लिख लेता है। जब हम अपने हस्ताक्षर करते हैं, दस्तखत करते हैं, तो हमारा जो मस्तिष्क है वो जो है हमारे को आदेश देता है कि आप जो है इस प्रकार से सिग्नेचर करिए कि इसकी कॉपी कोई ना कर सके। वो जो है बहुत सोच समझ करके निर्धारित करता है कि, और तभी उसी वजह से जब कोई सिग्नेचर करता है तो उसको हम देख करके पता लगा लेते हैं कि व्यक्ति की मनोवृत्ति क्या है, ये मनुष्य जो है किस सोच का है। जो लोग हस्ताक्षर करते समय पहला अक्षर थोड़ा सा बड़ा लिखते हैं और उसके बाद में पूरा जो है उपनाम लिखते हैं, वह अद्भुत प्रतिभा के धनी होते हैं। जानिए कि आप भी हैं इसमें शामिल। पूरा वीडियो देखिए और आप अपने जो है गुण को अपने हस्ताक्षर से मिलाइए और जानिए। कोई अगर आपको इस तरह से कह करके आपसे आपका हस्ताक्षर की कॉपी मांगे तो आप कृपया करके किसी को मत दीजिएगा। हमारे कहने से आप जो है अपने हस्ताक्षर की कॉपी करके किसी को मत दीजिएगा, क्योंकि दुनिया में बहुत ज़्यादा जालसाज फैले हुए हैं जो कि किसी तरह से आपको भ्रमित कर सकते हैं। इसलिए सबसे पहला वाक्य हमारा यही है कि आप जो है अपना हस्ताक्षर जब भी करिए तो छुपा के करिए, कहीं भी दस्तखत करिए, अपने हस्ताक्षर करिए तो छुपा के करिए, कोई देखे ना कि किस प्रकार से आप कर रहे हैं। क्योंकि कई लोग बहुत शातिर होते हैं और उसका नकल भी कर सकते हैं, तो इसलिए जो है आप किसी को अपना हस्ताक्षर मत दिखाइएगा। हम जो कुछ चीज़ें बता रहे हैं उसको आप सुन करके अपने बारे में जान सकते हैं। हस्ताक्षर करने के बाद उसे रेखांकित करने की आदत शक्तिशाली और मजबूत व्यक्ति में देखी गई है। छोटा सा हस्ताक्षर जो होता है वो स्वार्थी होते हैं, निग्रही व्यक्तित्व को दर्शाता है। यदि हस्ताक्षर का आकार उस अक्षर के अनुपात में बड़ा हो तो व्यक्ति शासन करने की इच्छा उसके अंदर और अभिलाषा होती है। हस्ताक्षर अगर किसी का बदल रहा है, जैसे आप अपना पहले साइन करते थे वो साइन बदल रहा है, तो क्या होता है कि आदमी का स्वभाव भी धीरे धीरे बदल रहा है। अगर हस्ताक्षर पहले जैसा आप नहीं है तो आपका स्वभाव बदल रहा है, इसलिए हस्ताक्षर बदलते हैं। कई लोग अपने साफ़ सुथरे नाम लिखते हैं, साफ़ सुथरे पढ़े जाने वाले हस्ताक्षर करने वाले व्यक्ति जो हैं व्यवस्थित होते हैं। और
हस्ताक्षर के नीचे ऊपर उठे हो तो मानव जो है बहुत महत्वाकांक्षी होता है और अपने उद्देश्य को हर कीमत पर वो पा करके ही रहने वाला होता है। यदि सिरों से लहरदार हो उसका साइन, और यदि व्यक्ति अपनी इच्छा के लिए जो है अपने किसी भी कार्य को किसी प्रकार गोपनीय कदम उठा सकता है। यदि हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा हो और छोटे अक्षर बराबर हों तो वो व्यक्ति जो है घमंडी होता है और स्वाभिमानी भी होता है और वो चापलूसी पसंद होता है। और यदि हस्ताक्षर का पहला अक्षर बड़ा हो और अंतिम अक्षर एकदम छोटा हो तो वो जो है बड़ी शान से धूमधाम से कार्य आरंभ करता है और एकदम नीचे गिर जाता है, वो व्यक्ति कल्पना के जगत में विचरण करने वाला होता है। यदि हस्ताक्षर के नीचे यानी उसमें एक सीधी रेखा हो और एक लाइन लगा रखी हो तो वो व्यक्ति हमेशा दूसरों की याद व आशीर्वाद पर अपना जीवन व्यतीत करता रहता है और वो खुशामदी और चापलूस होता है। ऐसे व्यक्ति को साझेदारी कार्य जो है पसंद होते हैं, क्योंकि दूसरों के साथ मिल कर के तो वो जो है पैसे कमाता है। रेखा के साथ साथ यदि रेखा के नीचे कोई बिंदु रख देता है, साइन करता है तो कोई पेन से बिंदु रख देता है कहीं पर, और उस बिंदु का अर्थ होता है कि वो आदमी जो है वचन का पक्का है, वो अपने निहित स्वार्थ के लिए दोहरे वातावरण को रच सकता है। यदि हस्ताक्षर में सीधी लाइन हो और वो तटस्थ, ईमानदार, उदार, विश्वसनीय होता है और वो अपनी धुन का पक्का होता है, सीधा साधा, निश्चल और छल स्वभाव का होता है, और बात बता करके जो हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति होता है वो चापलूसी पसंद होता है, अहंकारी होता है। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसी लगी आप हमारे जो है कमेंट बॉक्स में बताइए। अगर आपको किसी प्रकार का सवाल है तो हमारे से पूछिए, और ये जो है जानकारी ज़रूर ही तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। आपका दिन शुभ हो, आपका कार्य जो है मंगलमय हो, महालक्ष्मी की कृपा आप लोगों पर बनी रहे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।